सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में सोमवती अमावस्या शुभ संयोग में महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत की पूजा की। सुहागनी महिलाएं 16 सिंगार में सज धज कर वट सावित्री व्रत में पूजा अर्चना की। सोमवती अमावस्या के दिन पड़ने वाले इस व्रत सुबह से ही महिलाएं मंदिरों में पूजा करते हुए दिखे और वट वृक्ष में कच्चा सूत बांध कर अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। आपको बता दें कि वट वृक्ष में भगवान विष्णु शिव का निवास होता है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट वृक्ष की छांव में ही देवी सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। इसी मान्यता के आधार पर स्त्रियाँ अचल सुहाग की प्राप्ति के लिए इस दिन बरगद के वृक्षों की पूजा करती हैं। इसके संबंध में पूजा करने आई महिलाओं ने बताया कि सोमवती अमावस्या पर पति के लिए व्रत रखते हैं और भगवान वासुदेव जी जो भंवरी देते हैं, उन्होंने बताया कि अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए पूजा करने आई महिलाएं संध्या आशा एवं पुष्पा गुप्ता ने कहा। तुम फेंको, लेना नहीं था माता। पुष्पा गुप्ता, आज पति का है, परिक्रमा करके आप पूजा करके उसके बाद अपना पारण कर जाता है। क्या चीज पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। आशा ये सोमावरी अमावस्या है, पति के लिए व्रत रखते हैं लोग और भौरी देते हैं वासुदेव जी का, उनकी पूजा करते हैं लंबी आयु के लिए पति के। पूजा में किस तरह की पूजा करते हैं, क्या क्या किया जाता है? पहला भर में पान का पत्ता और धान से देते हैं, पूरा श्रृंगार का सामान रहता है, पूरा कपड़ा रहता है माता जी का, वही चढ़ा करके भौरी देते हैं। संध्या आशा है, इसमें अपने पति की लंबी आयु के लिए सब लोग मतलब व्रत करते हैं, सुबह में भौरी देते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं 5 बार और फिर माता जी का मतलब श्रृंगार का सामान रहता है, सब कुछ करने के बाद उसके बाद दिया कपूर अगरबत्ती जो भी है जला के फल फूल दक्षिणा दे के और भौरी का मतलब करके उसके बाद पारण किया जाता है घर जाकर। बस लखपति की लंबी आयु के लिए ही मतलब ये व्रत है।